नमस्कार दोस्तों, राम कलश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हमारी गाय और भैंस को सीमन कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, या तो वो पानी जैसा डिस्चार्ज करती है सीमन कराने के बाद, लगभग 5 दिन 6 दिन या 10 दिन बाद देखा जाता है, या पानी जैसा डिस्चार्ज करती है या मोटा डिस्चार्ज करती है, गाढ़ा डिस्चार्ज करती है। तो दोस्तों ये आप लोग के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि हमारी गाय भैंस को अगर हम सीमन करा दिए हैं या क्रॉस करवा दिए हैं, अगर पानी जैसा डिस्चार्ज करती है तो गाभिन होगी या नहीं होगी, या मोटा डिस्चार्ज कर रही है तो गाभिन होगी या नहीं होगी। अगर ये गाभिन है नहीं तो हम कैसे एक अंदाजा लगाएंगे कि ये गाभिन है या नहीं। इस कन्फ्यूजन दोस्तों आज हम इस वीडियो में दूर करूंगा आप लोगों का कि ये गाभिन है या नहीं। सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, शायद हमें उम्मीद है कि आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको मन कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करना, और दोस्तों आपके जो भी मन में सवाल है कमेंट जरूर करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सीमन कराने के बाद, चाहे आपकी गाय हो, बछड़ी या पाड़ी, कटड़ी, भैंस, जो भी है, जैसे आप सीमन करा देते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा या तो बहुत पानी जैसा डिस्चार्ज करेगी, 2 दिन 4 दिन बाद अगर पानी जैसा डिस्चार्ज कर रही है तब एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो गाभिन नहीं है। अगर मोटा डिस्चार्ज करती है आपकी गाय भैंस तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं गाभिन हो सकती है, यानी 80% आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि गाभिन हो सकती है। लेकिन जो अनुमानित लगाया गया है, यानी कि कंफर्म एकदम बताया गया है कि अगर गाभिन होती है तो सीमन कराने के 20 से 21 दिन, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला दोस्तों 7 दिन पर भी हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज दिखाई देता है, कभी जो है 20 दिन पे, कभी 21 दिन पे, लेकिन एक ही बार वो दिखाई देगा, ऐसा नहीं बार बार दिखाई देगा। अगर वो 21 दिन बाद हल्का मोटा पीला डिस्चार्ज करती है तो समझ लीजिए वो गाभिन है। उससे एक मान लीजिए कि 99% आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि गाभिन हो गई है। हाँ, अगर वो गाभिन नहीं होती, मान लीजिए 20 दिन बाद डिस्चार्ज नहीं किया, ये भी आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं, देखते रहते हैं डिस्चार्ज ही नहीं दिया। अगर 20 दिन बाद वो डिस्चार्ज नहीं करती, यानी पानी जैसा डिस्चार्ज भी नहीं करती, कोई डिस्चार्ज नहीं करती, तब ये भी अनुमान लगाया जाता है कि गाभिन हो सकती है। अगर आपकी गाय भैंस 20 या 21 दिन बाद गाभिन नहीं ठहरती, तब जो है ऐसा भी देखने को मिला है कि वो हीट पर आ जाती हैं। जैसे कि मोटा डिस्चार्ज कई तरह का होता है, कुछ ऐसे भी होता है मोटा डिस्चार्ज जिससे हीट माना जाता है, कुछ ऐसा लंबा डिस्चार्ज होता है मोटा, उसे हीट माना जाता है। अगर 20 से 21 दिन बाद हल्का पीला डिस्चार्ज करती है तब मान लीजिए गाभिन है, अगर डिस्चार्ज हल्का पीला नहीं करती तो समझ लीजिए वो गाभिन नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों फिर दोबारा 21 दिन बाद हीट में आती हैं। इनका हीट में आने का जो समय होता है, ऐसा जो लिमिट नियम होता है, मान लो सीमन कराने के 21 दिन बाद माना गया है, अगर आपकी गाय भैंस सीमन कराने के लगभग मान लीजिए सीमन आज करा दिए हैं और सीमन कराने के लगभग आपके 7 दिन बाद या उससे भी ज़्यादा दिन बीत जाते हैं सीमन कराने के बाद, अगर वो पानी जैसा डिस्चार्ज करती है तो समझ लेना दोस्तों को गाभिन नहीं है। और भी इसमें दोस्तों देखा जाता है कि जैसे ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज करना सीमन कराने के 2रे दिन या 3रे दिन, तो इसमें एक खास तौर पर देखा गया है, जैसे भैंस को या गाय को बछड़े या भैंसे से दिखाया जाता है, आप बछड़े को दिखा दिए हैं, भैंसे से दिखा दिए हैं, फिर क्या है कि उसे आप क्रॉस करवा दिए, तो उस समय क्या उसके उसी दिन या 2रे दिन भी देखा जा सकता है कि ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज दिखाई देंगे, क्योंकि जो सीमन रहता है वो निकलता है। तो इससे हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक, वो घबरा जाते हैं कि इसको तो हमने सीमन कराया, इतनी ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज कर रही है, अब ये गाभिन होगी या नहीं होगी। तो ऐसा आप बेफिक्र रहिए, अगर एक दिन डिस्चार्ज ज़्यादा कर रही है, 2रे दिन भी ज़्यादा कर रही है, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं आपको। वो अगर गाभिन होगी
तो सीमन कराने के 21 दिन बाद आपको दिखाई देगा कि वो गर्भ ठहरा है या नहीं ठहरा है, वही हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज। अगर वो नहीं डिस्चार्ज करती या मोटा डिस्चार्ज अलग से करती है जैसे कि व्हाइट कलर का, तो उससे भी एक अनुमान लगा सकता है, या तो हीट पर आ जाएगी या तो गाभिन होगी। ऐसा नहीं कि वो पीला डिस्चार्ज करे तभी गाभिन होगी, दूसरे भी डिस्चार्ज से भी वो, जैसे कि पीला एक ही बार करती हैं, बार बार नहीं दिखाई देता, अगर बार बार डिस्चार्ज करती हैं, पीला डिस्चार्ज करती हैं, ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज करती हैं, पानी चूना जैसा डिस्चार्ज करती हैं, तो बच्चेदानी का जो है इन्फेक्शन माना जाता है। बच्चेदानी इन्फेक्शन अगर है तो गर्भ नहीं ठहरेगा। लेकिन सीमन जब कराते हैं आप तो कुछ ठंडी चीजें उसे खिला सकते हैं, जैसे कि केला हो गया, सीमन कराने के बाद केला दिया जाता है, केला काफी ठंडा माना जाता है, और केला का रस आप पिला सकते हैं, जौ का पिसान खिला सकते हैं, अलसी खिला सकते हैं, तिल्ली खिला सकते हैं, ये सब ठंडा माना जाते हैं। यहाँ तक लोग चीनी भी पिला देते हैं, चीनी यानी कि जो चीनी आप जानते हैं शुगर, जिसे वो चाय बनाया जाता है, मतलब एक पाव चीनी ले लीजिए, उसमें जौ का पिसान मिला दीजिए, बहुत ठंडा माना जाता है। लेकिन ये तभी काम करेगा अगर आपके गाय भैंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके गाय भैंस में प्रॉब्लम है, जैसे बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो गया, बच्चेदानी का विकास नहीं हुआ है, बच्चेदानी में दिक्कत है, तब ये नहीं काम करेगा। आप कितना भी उपाय करेंगे नहीं काम करेगा। बच्चेदानी इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन की आपको दवा कराना पड़ेगा। तो इन्फेक्शन बारे में दोस्तों हमने वीडियो बनाया है, बहुत कम्प्लीट वीडियो बनाया है, वो सिर्फ आपको दवा देने के बाद वो गर्भ ठहर जाएगा। तो उस वीडियो भी दोस्तों हम लास्ट में लगा देंगे, उसे आप देख पाएंगे। लेकिन जो डिस्चार्ज की मैटर रहता है, डिस्चार्ज किस तरह करते हैं, तो दोस्तों यही कन्फ्यूजन बना रहता है कि अगर आपकी गाय भैंस को सीमन करा दिए हैं तो दूसरे दिन कम डिस्चार्ज निकलेगा, अगर वही जो है आप भैंसे या बछड़े से क्रॉस करा दिए हैं तो अगले दूसरे दिन या उसी दिन ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज दिखाई देगा। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमने देखा है कि किसान भाई घबरा जाते हैं कि इतना ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज है, अभी हमारी गाय गाभिन नहीं होगी, हमारी भैंस गाभिन नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अगर ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज कर रही, एक या दो दिन करेगी, अगर आपकी गाय भैंस बार बार लगातार डिस्चार्ज मोटा कर रही है, लगातार ज्यादा मात्रा में, तब उसे दिक्कत हो सका है। तो दोस्तों बच्चेदानी का इन्फेक्शन है तो उसका सही से इलाज करें, देसी इलाज करें, जो कि 100% काम करने वाला वो तरीका है। तो दोस्तों अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप तो उस वीडियो को देखकर कंप्लीट जो है उसी तरह सेम आप उपाय करिए, 100% उसका इन्फेक्शन ठीक होगा और गर्भधारण भी कर लेगी।